महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और दो बार के विधायक रह चुकी अनीता वर्मा ने हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट के लिए पार्टी मुख्यालय में आवेदन कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐलान किया था कि जो भी लोग लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं इन 31 जनवरी से पहले पार्टी मुख्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं। इसी को लेकर अनीता वर्मा ने भी शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में अपना आवेदन कर दिया है। काबिले गौर रहे कि इससे पहले हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले अभिषेक राणा, जो सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा के पुत्र हैं, उन्होंने भी हमीरपुर लोकसभा की टिकट के लिए पार्टी को आवेदन कर रखा है। अनीता वर्मा इससे पहले दो बार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं और उनके पति रमेश वर्मा भी 1972 में हमीरपुर से विधायक थे। इसके अलावा अनीता वर्मा के ससुर प्रेमचंद वर्मा 1967 में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। अनीता वर्मा ने कहा कि टिकट अप्लाई करने का अधिकार हर कार्यकर्ता को है, इसको लेकर उन्होंने इस टिकट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान दिल्ली में करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस भी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेगी, सभी कांग्रेस जन उसकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर अनीता वर्मा ने कहा कि किसी संगठन में जितनी लड़ाई हो उतना ही वह संगठन आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कम लड़ाई थी, लेकिन फिर भी इस लड़ाई के बावजूद उभर कर सामने आए और उन्होंने प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। अनीता वर्मा ने कहा कि बड़े बड़े संगठनों में इस तरह की छुटपुट बातें चली रहती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में एकजुट है और एकजुटता से भाजपा का मुकाबला करेगी। वहीं अनीता वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही महिला हितेशी रही है और इस पार्टी ने महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई हैं, इससे पूरे देश में नए रक्त का संचार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों तक पहुँचाएगा। कुछ ऐसे है, मैं या कोई भी कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो नहीं कह सकता कि वो कितना उसमें विश्वास है कि उसको टिकट मिलेगा, क्योंकि फैसला जो होता है वो दिल्ली हाईकमांड करती है, हमारी सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, और वहाँ पर फैसला होता है कि किस तरीके से चार जो सीटें हैं उनको बांटा जाए, कि कोई अगर महिला को देनी है महिला को दे, या बेशक कोई अच्छा कैंडिडेट हो वो जो भी बीजेपी का खड़ा उसको हराने के लिए सक्षम है उसको देना चाहे तो उसको भी दे सकती है। देखिए, मैं तो समझती हूँ जितनी लड़ाई हो उतना ही कोई संगठन आगे बढ़ता है। बीजेपी में क्या कोई कम लड़ाई थी? बीजेपी में भी तो ऐसे ऐसे हादसे हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहती, जिसमें उन्होंने काफ़ी लड़ाई की है पर उसके बाद वो उभर के यहाँ पे सरकार बना के बैठ गए थे। तो उसी तरीके से मैं समझती हूँ ये जो लड़ाई है ये आपसी प्रेम ही होता है, इससे पता लगता है कि हाँ भाई किसी को कुछ ना कुछ कष्ट हो रहा, अच्छी कोई पार्टी चली है तभी लड़ाई होती है। अगर अच्छी कोई पार्टी ना चली हो उसमें इतना अच्छा महत्वपूर्ण जोश ना हो तो लड़ाई नहीं होती है। तो ये लड़ाई एक अच्छा ये चिन्ह है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब इकट्ठे हैं, वो थोड़े एक थोड़ी देर की कोई बात हो जाती है।